खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां जिला प्रशासन ने सभी विश्वविद्यालय को आदेश जारी किया है। अब सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को मास्क व हेलमेट लगाकर ही जाना होगा, तभी छात्रों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज के अंदर जो भी छात्र हेलमेट मास्क लगाकर आएंगे उन्हीं को कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं टीआरएस कॉलेज के गेट पर गार्डों द्वारा छात्राओं को रोका गया है और देखा जा रहा है कि अभी भी कुछ छात्र मास्क और हेलमेट लगाकर नहीं पहुंच रहे हैं, जिनको कॉलेज के गेट से ही बाहर कर दिया गया है। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियां और सुनाते हैं टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य अर्पिता अवस्थी ने मीडिया को क्या बताया है। मैडम, ये कोरोना को लेकर और हेलमेट को लेकर आदेश जारी किया गया है, क्या ये जिला प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है जिसमें छात्रों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की सलाह दी गई है। सभी छात्र जो हैं मास्क लगाने के लिए उन्हें कहा गया है और साथ ही यातायात सप्ताह के दौरान ही सारे लोगों को बताया गया था कि हेलमेट लगाकर ही आना है सबको, और हेलमेट से उनकी खुद की सुरक्षा होती है। ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये अपनी सुरक्षा के लिए है। और छात्रों को भी हम यही कहते हैं कि सभी हेलमेट लगाकर ही आए, छात्र हों चाहे यहाँ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले शिक्षक हों या कर्मचारी हैं, सभी हेलमेट लगाकर ही कॉलेज में आए। तो अभी छात्र आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। हाँ, तो उनको इसलिए रोका जा रहा है कि भाई आप हेलमेट लगा करके आइए। जब तक उनको थोड़ा सा इस तरह से रोका नहीं जाता है तब तक वो हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं और नियमों का पालन नहीं करते। तो उनको इस चीज़ को कि वो नियमों का पालन करें और हेलमेट लगा कर ही आए तभी प्रवेश अंदर करें। जाओ आप फोटो तुम्हारी।